उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबीयत शुक्रवार को अचानक से बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पूर्व सीएम देहरादून में बेरोजगार युवाओं के प्रदर्शन में शामिल हुए थे। वे धरने पर बैठने के दौरान बेहोश हो गए। दरअसल राज्य में लगातार हो रहे भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बेरोजगार संघ और प्रतियोगी परीक्षार्थियों ने बुधवार को गांधी बाग में प्रदर्शन के दौरान राज्य की भर्ती परीक्षाओं के आयोग यूके पीएससी और यूके SSSC में सुधार की मांग उठाई थी। अभ्यर्थियों का आरोप था कि आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में जमकर धांधली हो रही है। धांधली की वजह से सरकारी नौकरियों की भर्तियां निरस्त हो रही हैं। वहीं राज्य में पुलिस, पटवारी, वन क्षेत्र अधिकारी सहित अन्य भर्तियों के परीक्षाएं दे चुके युवाओं को अब तक अपनी भर्ती का इंतजार है। छात्रों की मांग है कि आयोग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की जज की निगरानी में CBI जांच की जाए। MKN News डेस्क।